Hello everyone, welcome back to my channel and today I'm going to show you this very beautiful property which is in Agra and guess what, ये ना ताज महल के पास में ही है. तो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, प्लस मेरी इंस्टाग्राम फैमिली के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं उन सब के आंसर इस वीडियो में करने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. हाय गाइस, सो दिस वाज आवर एंट्रेंस एंड अभी ये एज अ कॉमन एरिया है जहाँ पे सब चिल आउट करते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, लाइक दिस मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि ये प्रॉपर्टी आगरा में. मैं लिटरली अभी तक ना ड्रीम में हूँ. दिस प्रॉपर्टी इज इन आगरा एंड जस्ट लुक यार, एकदम मैंने आउटफिट भी मैंने ब्लू कलर का टोन में पहना है ना, सो इट सेज अभी थोड़ा सा लाइट ऑफ है, बट यार दिस यू कैन सी द मिरर, द वर्क हियर एंड द सिटिंग एरिया, लाइक जस्ट सी दैट मेरे आउटफिट से भी मैच हो रहा है, यू नो, ब्लू एंड लेट्स गो स्टेयर्स. हाँ, और हमारा जो रूम है वो है सेकंड फ्लोर पे एंड ये हमारा रूम है, जाने का रास्ता है, एक दो और जगह है वहाँ से भी आप बड़ी डायरेक्ट एंट्री है. सो ये डायरेक्ट एंट्री है, दिस इज द गेट. जितने ऊपर जाते जाओगे उतना अच्छा व्यू दिखता जाएगा, लाइक ग्रीनरी एंड ग्रीनरी एवरीवेयर एवरीवेयर. राइट, दिस इज अ वेरी क्यूट सिटिंग एरिया एंड अभी मैं आपको रूम भी दिखाऊंगी, सो वो भी आप चेक करना. दिस इज द एरिया वेयर यू कैन चिल आउट एंड अभी हम लोग बस पूरा टीवी और चीजों के साथ बैठेंगे. बाहर बारिश हो गई थी ना, तो और भी ज्यादा मजा आ रहा था यहाँ पे बैठने के लिए. ऑल राइट, तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारा जो रूम था. दिस वॉज सो 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 एस्थेटिक, आई जस्ट लव आवर रूम. सो इट वॉज ओनली फॉर 4 एडल्ट एंड दिस यू कैन सी द एवरी कॉर्नर वॉज वेरी वेरी नाइस. तो 2 डबल बेड थे यहाँ एंड द प्राइसिंग वॉज 4500 विद टैक्सेस, प्लस हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था. तो नेक्स्ट डे हमने ब्रेकफास्ट भी किया था, इट वॉज फॉर 1 डे. जो 1 डे का चार्जेस था इस रूम का, इट वॉज फॉर 4500. यू कैन सी द एवरी एंगल, यार वेरी प्रीटी. आपको और भी रूम्स चेक करने हैं तो आप booking.com पर जाके कोरल होम स्टे टाइप करो एंड देन उसके बाद आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस भी मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग सबका प्राइसिंग भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा. एल्स यू कैन चेक आउट देयर इंस्टाग्राम अकाउंट, उनका खुद का वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे भी आप और चीज़ें भी चेक कर सकते हो. आई जस्ट पिंग हियर सो यू कैन चेक इट आउट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड. सब कुछ प्रोवाइडेड था. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप नीचे रिसेप्शन पर जाके चेक कर सकते हो, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था वहाँ के अंदर गेट पर जाके वहाँ पे आप लोगों को बोल सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ मेंबर होते हैं. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू आउट. इज अ टेरेस एंड लुक एट माई सिस्टर एंड लुक एट द ताजमहल. यहाँ से ताजमहल का व्यू भी आपको देखने को मिलेगा एंड द ब्यूटिफुल यू कैन सी दिस. प्रीटी फ्लावर्स ना, देखियो दीदी यार फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं. एंड यहाँ पे देखो ताजमहल. अभी तक हमने ना थोड़ी बहुत ही एक्सप्लोर की है ये जगह एंड बिकॉज काफ़ी सारी प्लेसेस है, काफ़ी सारे रूम्स हैं एंड काफ़ी सारी और भी ऊपर ना काफ़ी बड़ा है एक्चुअली. सो यहाँ पे आपको देखो ताजमहल भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे तब व्यू छोटा सा व्यू एंड जस्ट इग्नोर माय मैसी है गाइस, आज बहुत ट्रैवल किया है. सो जस्ट लुक एट द व्यू यार, मतलब द ग्रीनरी एंड एवरी थिंग. I'll just suggest you guys कि यार एक बार आना तो डेफिनेटली बनता है, just explore this place यार. अभी हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें मैं अभी और नई चीज़ें एड ऑन करूँगी या नई चीज़ें देखूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करने जा रही हूँ. एंड अभी तो जस्ट लुक एट दिस, ये भी पार्ट है एंड दिस यू कैन सी, ये डाउन स्टेयर है दूसरी जगह जाने के लिए. हमारा जो है वो इधर से स्टार्ट है यहाँ पे जाने के लिए एंड इसके नीचे भी है, तो काफ़ी सारी यू नो स्पेस है, काफ़ी सारी जगह है. एंड थोड़ी देर बाद ना बारिश स्टार्ट हो गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव वाइब आ रहा था, तो बहुत मज़ा भी आया था जब बारिश भी हुई थी.
और फिर रात में हमने जीजू के लिए एक बर्थडे केक प्लान किया था, तो हमने वो कट किया जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और हाँ, जीजू हमारे साथ है और हम जीजू को तंग ना करें ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे। बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी उनने पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है। बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, क्या सुकून है एतबार मोहब्बत, दिल की तड़प है ये इंतजार मोहब्बत, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट सेफ फॉर गर्ल्स? यस, इट इज कम्प्लीटली सेफ फॉर गर्ल्स। यू कैन जस्ट हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो कम विद योर फैमिली, इट इज कम्प्लीटली सेफ। एंड नेक्स्ट वन इज फूड एंड द वाइब। द वाइब यू कैन सी, इट इज एब्सोल्युटली सो ब्यूटिफुल। द प्रॉपर्टी, द ग्रीनरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। एंड अबाउट द फूड, जब हमने चेक इन किया था तो हमने मैगी एंड सैंडविच ऑर्डर किया था, विच वॉज ओके ओके, बट द ब्रेकफास्ट वॉज नाइस। हमने पोहा एंड पूरी सब्जी थी तो वो काफ़ी अच्छा था। सो या लाइक द फूड इज ओके ओके। हाई गाइज, सो वी आर चेकिंग आउट एंड अभी हम कुछ वीडियोज़ बनाएंगे थोड़ा सा, मैं जीजू और दीदी इन सब के साथ। एंड सो गाइज, वी आर हेडिंग आउट एंड जीजू बेचारे परेशान हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है यार, तो हम फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे हैं। सो ये पापा जैसी हरकत नहीं कर रहे भाई, पापा पार्ट 2 है। सो हाँ, लेट्स गो। मेरे फोन में स्पेस नहीं है तो दे दियो या ड्रॉप कर दियो। अरे तो स्पेस ही नहीं है रिकॉर्ड कर। सो नाउ गाइस, लेट्स गो। एंड आई एम नॉट रेडी टू बाय दिस प्रॉपर्टी। हाँ यार, नेक्स्ट टाइम। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह इतने सारे हरियाले देख रहे हैं, आई कैन सी तान्या, सो लेट्स गो। वो कर रही है तान्या, गुड मॉर्निंग। तू अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, क्या खाया तूने? पोहे पूरी और सब्जी, वो पता नहीं किसकी थी यार, मुझे नहीं पता तेरा पोहे के बारे में, बट जिस तरीके से तू बैठी है ना, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस ना, तान्या का फ्रेम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तुम लोगों ने राजा भी लोग नहीं देखा? आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। एंड कोई भी आपको पसंद आया, कोई भी आपकी क्वेरी है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज मैंने ट्राई किया है कि मैं पूरा कवर करूँ। सो यस, एंड दैट्स इट, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।